स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं बड़ी खबर की। साइरस मिस्त्री का ईमेल बम निशाने पर रतन टाटा। टाटा उद्योग समूह के चेयरमैन पद से अचानक हटाए जाने से आहत साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी में उन्हें एक निरीह चेयरमैन की स्थिति में धकेल दिया गया था। उन्होंने कहा कि निर्णय प्रक्रिया में बदलाव से टाटा समूह में कई वैकल्पिक शक्ति केंद्र बन गए थे। टाटा संस के निदेशक मंडल के सदस्यों को लिखे एक गोपनीय किंतु विस्फोटक ईमेल में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका दिए बिना ही भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह के चेयरमैन पद से हटाया गया। मिस्त्री ने इस ईमेल में कहा कि 24 अक्टूबर 2016 को निदेशक मंडल की बैठक में जो कुछ हुआ वो चौंकाने वाला था और उससे मैं अवाक रह गया। वहाँ की कार्रवाई के अवैध और कानून के विपरीत होने के बारे में बताने के अलावा मुझे ये कहना है कि इससे निदेशक मंडल की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हुई। मिस्त्री के आरोपों के बारे में टाटा संस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साइरस मिस्त्री ने कहा कि उन्हें समस्याएं विरासत में मिली। उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल में टाटा परिवार के ट्रस्टों के प्रतिनिधि केवल डाकिये बनकर रह गए थे। वे बैठकों को बीच में छोड़कर श्रीमान टाटा से निर्देश लेने चले जाते थे। उन्होंने अपने ईमेल में रतन टाटा द्वारा शुरू की गई घाटे की नैनोकार परियोजना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इसे भावनात्मक कारणों से बंद नहीं किया जा सका। उन्होंने अपने पत्र में टाटा कैपिटल, टाटा पावर और समूह के दूरसंचार कारोबार की समस्याओं को भी विस्तार से बताया है जो उन्हें विरासत में मिली। इस बीच सेबी ने भारतीय कॉरपोरेट जगत में चर्चित टाटा मिस्त्री प्रकरण की पड़ताल शुरू कर दी है और वो देख रहा है कि कहीं इस मामले में कंपनी संचालन और बाजार सूचीबद्धता के नियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ। गौरतलब है कि टाटा समूह की धारक कंपनी टाटा संस ने दो दिन पहले अपने चेयरमैन साइरस मिस्त्री को हटाकर पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को 4 माह के लिए अंतरिम चेयरमैन बनाया है। और अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जांच परख कर ले 501,000 के नोट, रिजर्व बैंक। केजरीवाल को मारने की धमकी, पुलिस को किया फोन। सरकार बढ़ा सकती है चीनी की स्टॉक सीमा। पाक उच्चायुक्त का अधिकारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। सीरियाई स्कूल में हवाई हमले में 22 बच्चों सहित 6 अध्यापकों की मौत।